वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों को स्टारबक्स, जो कि मैं नया स्टारबक्स किया है। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। मतलब कुछ भी मैं बता नहीं सकती हूँ। बात बताओ, आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना। इधर आओ, बड़े बड़े इधर आओ, बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लोग ऐसे ना खाते हैं, ना नमक ना प्याज ना दे। तो मेरे को जैसे मम्मी के हाथ का खाना था। स्टारबक्स गाइस, आप करो दीदी के लिए लेते हैं। एक मत तो नहीं, तो मेरे 1500 दुख रहे हैं। उसे ले लेंगे तो खा लेंगे। तो बढ़िया, मैं बर्गर फार्म चली जा रही, थोड़ा सा बचा के देना मेरे को भी। थोड़ा सा देना बाद। स्टाफ अच्छा है वैसे, यहाँ का काफ़ी कोऑपरेट किया है। 10 बार मैं अंदर बार आई हूँ वीडियो शूट करने, उन्होंने करने दी है, काफ़ी अच्छा है। मेरी टर्न आ गई है, अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि कैसा है ये। बताओ, मैंने तो खाया है, ये कैसा है? अच्छा है। ये ले लो, हाँ। पनीर की भुज्जी डली हुई है अंदर, शेजवान सॉस डली हुई है, और इसके बन के ऊपर हर्ब्स नाम की घास फूस है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में अक्खा गरम मसाला बोलते हैं ना। एक होता है पाउडर गरम मसाला, एक होता है अक्खा गरम मसाला, इसके ऊपर वो डाला हुआ है। मेरे को जत्था तक लग रहा है इसकी ओरिजिनल है, मेरे से दादा मेरी मासी को पता है ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स है, बस चिली फ्लेक्स। अब मैंने गलत बोल दिया है तो कुछ तो कवर करूँगी ना। मैंने पानी मांगना पड़ेगा, मेरे को पानी मांग के आ जाऊँगा। हमारी बहन के पास बॉटल है, उसमें घर का पानी है। 200 रुपये बच गए गाइस। तो ये खाएगी क्या? तो मम्मी की यहाँ से भी इनको खाना उठाना है, ये खा के ख़त्म करो यार। तो नहीं, तो लोगों को कहते हैं
ऐसा नहीं है कि टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत टेस्टेड है, अच्छा है, लेकिन बियर इज बियर, बट बियर सो ओवर प्राइस है। और काफ़ी आउटर एरिया में इन्होंने आउटलेट खोला है, जहाँ तक मुझे लगता है अगर ये थोड़ा सिटी में खोलते हैं ना, अंदर बाहर से आने वाले लोग यही है, वो तो ठीक है, अगर सिटी में खोलते हैं ना तो इनका ज़्यादा चलता, क्योंकि हाइप के चलते जो लोग हैं बाहर। अर्चना एयरपोर्ट पास में है ना, तो ठीक है, मुझे पता है एयरपोर्ट। हाँ, इन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है कि सारे कोटी बंगले वाले एयरपोर्ट से उतर के यहाँ पे सीधा आ जाएंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा है ना इनकी कमाई हम लोग करा देते हैं सिटी में बैठे बैठे। चलो आज स्टारबक्स चलते हैं, कौन समझाएंगे। वाइस कॉफ़ी हमने पी ली, खाना हमने खा लिया, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो यहाँ पर इनके कप्स का भी सेक्शन है, देख सकते हो। वैसे अच्छे लगे मुझे, जैसे पसंद तो आता नहीं है, बट इनका कलेक्शन यहाँ पर अच्छा है। कौन सा कप लेना है? ओके, अरे मेरे को लगता था मनीष मल्होत्रा सिर्फ लहंगे डिज़ाइन करता है, इसने यहाँ के कप भी डिज़ाइन किए ना। ये देखो मनीष मल्होत्रा, गजब है भाई, गजब नोट छाप रहा है वो तो, मतलब सही है। ये कॉफी गिरेगी नहीं, इसके अंदर कैप है, और कॉफी जरूर नहीं गिरेगी, इसमें खड्डा इससे अनुमान नहीं लग रहा किस तरह का खड्डा। अरे ये बहुत खोजती है, मतलब बोलते ना जग्गा जासूस, वो ये है, इसमें से नहीं गिरेगी, कैसे बोलते हैं ये परफेक्ट लगेगी, बट इसका मेरे को कलर अच्छा नहीं लगा, थोड़ा वाइट, ये ऐसा कलर होता ना ऐसा, तो ये लेती मैं बिल्कुल नहीं, यहाँ पर लोग बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं, लेती कुछ भी नहीं, महंगा है नहीं होगा। और ये ट्रांसपेरेंट कप है, इसकी कॉपी मैं बनवा सकती हूँ, इसलिए मैं ये भी नहीं लूँगी। और 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 ये वाला निकालना था, बाई चांस अगर कभी मेरे को ऐसा कप खरीदना पड़ा ना, मैं पानी तक आता उसमें पीऊँगी। ये कैसे इसको शायद इसको है ना, मनीष मल्होत्रा पैसा काम से। चलो ये रहा यहाँ का कप्स का सेक्शन है, इतनी लंबी ना तू है ना मैं हूँ जो उधर तक पहुँच सकते, तो क्लाइंट ड्रॉप बोलते हैं ना, नहीं 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 मत कर रहा ना, ये अच्छी ले लें, प्लास्टिक का कप देखिए 850 का प्लास्टिक का कप खरीदे गया हमें, हमारे बाथरूम का डब्बा अभी 20 रुपये का हो रहा है और ये हम 850 का खरीदे, बिल्कुल नहीं। ये ही है ना, और वहाँ पर मासी यहाँ के स्टाफ की तारीफ करते हुए देखो, अरे हाँ देखो वो खैर छोड़ो, ठीक है ये यहाँ का कप का सेक्शन है, अगर आप कप खरीदना चाहते हो स्टारबक्स में तो आप खरीद सकते हो। मेरा क्या जा रहा है, अरे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। और यहाँ पर स्टारबक्स रोस्ट 100% अरेबिका होल ग्रेन रोस्टेड कॉफी, कॉफी का शौक यार हमारे घर में किसी को नहीं है, एक इसको था, एक इसने भी पीना छोड़ ही दिया, वैसे ये झूठ है मैंने पीना छोड़ दी है, एक चाय की यारी दूसरा कॉफी की दोस्ती नहीं छोड़ी जा सकती, वैसे ज्यादातर लोगों को चाय की यारी होती है, अब एक कॉफी के साथ कॉफी भी मिली है, कॉफी जैसी अब पहले डॉक्टर आके बोल दे या भगवान बोल दे, कॉफी और मेरा साथ नहीं छूटने वाला, कॉफी तुमको दुनिया छुड़ा देगी। तो ये यहाँ का कप का सेक्शन है, और यहाँ पर और यहाँ पर जो है इनका खाने पीने का सेक्शन है, ऑर्डर एक बार हम यहाँ पे स्टाफ के लिए भी चलते हैं बात करते हैं, देखते हैं यार कुछ तो बात करेंगे हम। ये यहाँ का देख सकते हो खाने पीने का सेक्शन है,
और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे इनके जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको कॉफ़ी खरीदनी है तो आप कॉफ़ी खरीद सकते हैं, और शायद बिस्किट्स भी हैं, डेट्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। स्टारबक्स के महंगे महंगे खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि आप यहाँ पर अपनी कॉफ़ी की मेकिंग भी देख सकते हो, कि कैसे आप अपनी कॉफ़ी को बनते हुए भी देख सकते हो यहाँ पर, जबकि मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं अपना वीडियो शूट करने में बाहर पूरी थी, तो वो चीज़ तो मैं मिस कर चुकी हूँ। और हाँ, यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने मेरे को वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, तो हम एक बड़े थैंक्स से बोले। एक्सक्यूज मी, दे सकती हूँ आपको वीडियो में? नहीं, यूट्यूब नहीं, ठीक है। हम इनका वीडियो नहीं ले सकते ना, बट इनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा पोलाइटली इन्होंने हमसे बात करी और काफ़ी अच्छे से सर्व किया। तो अगर आना चाहते हो जोधपुर के स्टारबक्स में तो ज़रूर विज़िट करना, खाना भी अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली स्टारबक्स है तो एक्सपेंसिव तो होगा, बट हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। कॉफ़ी टेस्ट कर ली है, हमने आपका फूड भी ट्राई कर लिया, और बहुत ही अच्छी सर्विस थी इनकी, स्पेशली गायत्री जी ने हमें बहुत अच्छे से सर्व किया और काफ़ी अच्छी सर्विस दी है। हमारी जो पूरा आउटलेट है बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर, सर्विस बहुत ही अच्छी है, स्पेशली इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप जब भी जोधपुर की सर्विस में आते हैं तो हमें ज़रूर विजिट करना, और इनसे ज़रूर मिलना, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। थैंक यू।